लम्मा बूटा चौरा दियारा हो। जय माता दी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो सफ़र है वो बिलावर तक का है। तो रास्ते में मिले हैं मुझे मेरे फ्रेंड, मेरे नाना कस्तूरी चौहान, देख सकते हो। ये देखो आपके सामने कितना खूबसूरत और मनमोहक ये वादियाँ, जो ये देखो हमें रास्ते में पाल मिले हैं गद्दी, जो अपनी भेड़ों को आवाज़ें और सीटियाँ लगाते हुए। तो ये जो आप ऊपर पानी दिख रहे हो और साथ में जो पाइप है, ये जो पानी है ये है जो दौला माता के लिए व दौला के गांव के लिए जो भी पानी जाता है। तो आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हो दौला की खूबसूरती, दौला माता का मंदिर आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदार के थोड़ा सा नीचे, जो डंगे का तालाब है उसके साथ में ही कलराड़ जगह का नाम है वहाँ पे। और ये सामने मेरे बिल्कुल जो आपको घर दिख रहा है, इसको बोलते हैं उधार, क्योंकि यहाँ पे सीजनली लोग अपना माल मवेशी लेके आते हैं। और ये देखिए जो सामने धार दिख रही है, ये है मंदार और छोटा सा मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा, जो बिल्कुल इस पहाड़ी के साथ में ही दिख रहा है। तो ये है मंदिर, जो मनंद जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं। और ये है खूबसूरती दौला के जो ऊपरी पहाड़ियां हैं उसकी आपके सामने। तो 12:30 हो चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं कंडे पे। तो अभी काफ़ी सफ़र जो है वो तय करने को है और काफ़ी ढीले लग रहे हैं आज हम। हमारा बिलावर पहुंचना भी आज मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि पहुंच पाएंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज बिलावर तक जो हमारा सफ़र है इसको लेकर चलें। ये है दौला और ये है दौला, और जो दौला से दूसरी तरफ जो भी इलाका है बिलावर का, तो वहाँ का जे आप बॉर्डर समझ सकते हो। तो मेरे ठीक सामने जो आप देख पा रहे हो ये है मल्हार का इलाका। मल्हार के सामने बिल्कुल जहाँ टावर दिख रहा है, इसके पीछे लोहाई पड़ता है और उसके ठीक पीछे जो पहाड़ियाँ हैं ये बदनौता जगीर का इलाका है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घाट में और आप देख सकते हो कि हमारे बिल्कुल सामने एक शादी जो है वो आज शादी का प्रोग्राम हो रहा है शायद। तो ये हम पहुँचे हैं चऊ के देवदार जो हैं उनके बीचों बीच, और इस पे एक गाना है, मैं आपको उसकी चंद लाइनें सुना देता हूँ। ओ लम्मा बूटा चौरा दियारा हो, भूल दाना मिंजो तेरा प्यारा हो। तो इन देवदार की जो खूबसूरती है इसके ऊपर ये खूबसूरत गाना आपकी नज़र। और आगे आगे हमारे केटी साहब चलते हुए झूम झूम के। ये देखो आपके सामने जो खच्चरें जा रही हैं सामान लेके, ये कटली से मांजनू से दौला के लिए, दौला में जो दुकानें हैं वहाँ के लिए सामान जा रहा है।
तो अभी हम पहुंच गए हैं चौ नाग जो मंदिर है उसके पास, और आप देख सकते हो इसके चारों तरफ का जो नज़ारा है वो सचमुच मनमोहक है। और तो अभी हम चौ में पहुंचे हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ सुनने में आया है कि सीओ साहब का एक प्रोग्राम जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है आप लोगों के सामने मलाड स्कूल के बच्चे एक स्किट पेश करते हुए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माजनू और यहां से हमारा जो रोड है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है तो हमें गाड़ी मिलने का कोई मुझे लग नहीं रहा कि गाड़ी मिलेगी हमें यहां। ऐसे लगी ये देखिए रास्ते में जो ये मकान है कितना खूबसूरत यहां का नज़ारा है, और ये आता है जो थड़न की ढक्की है उसके ऊपर। अभी हम पहुँचे हैं थड़नी की ढक्की, और इस ढक्की का जो डर था लोगों में वो रोड की वजह से अभी ख़त्म हो गया है, नहीं तो काफ़ी लोग इस ढक्की से परेशान। तो अभी हम पहुंच गए हैं कटली में, और ये आप देख रहे हो कटली पुल का नज़ारा, जो नया पुल बना है वहाँ का नज़ारा। ये आप देख सकते हो देसी मुर्गे हैं यहाँ पे, तो अगर कोई लेना चाहता हो, देसी मुर्गों का शौकीन हो, तो वो कटली के ऊपर जो दुकान है वहाँ पे संपर्क कर सकता है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं कटली पुल के बिल्कुल ऊपर, और ये मेरे पीछे गाड़ी एक अभी अभी निकली है। तो आज का जो ये ब्लॉग है वो यहीं पे समाप्त होता है, और मेरी सभी देखने वालों से यही दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद।